राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा से संबद्ध राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय कामेश्वर नगर दरभंगा में NCISM नई दिल्ली द्वारा BAMS कोर्स में नामांकन के लिए टीम जांच के दौरान पुनः अवैध रूप से कब्जा जमाए लोगों द्वारा विरोध एवं हंगामा किया गया। आपको बता दें, पूर्व में भी यहां के लोगों ने कई बार यहां हंगामा कर चुके हैं। रामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय परिसर में जो लोग हैं कई बार हंगामा कर चुके हैं, पुनः आज भी हंगामा किया गया। इसकी जानकारी यहां के अस्पताल अधीक्षक ने SSP एवं नगर थाना एवं संबंधित पदाधिकारी को दिया गया। यहां करीब घंटों हंगामा होता रहा, वहीं जांच टीम के सामने भी हंगामा हुआ। अधिक जानकारी देते हुए राज दरभंगा के जो नियुक्त कर्मी हैं उन्होंने क्या कहा, वहीं अस्पताल अधीक्षक दिनेश्वर प्रसाद ने क्या कहा, क्या पूरा मामला है वो आप इन्हीं लोग से सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। साथ देगा बात नहीं तो निकलो बाहर। पूरा रात में पेट को भरा गया है। सबको निकालो, सबको ईश्वर से निकालना है। अब सबका ईश्वर नहीं, इसमें जो परिवार है उनके। अरे ताला लाना, ताला नहीं छोड़ो। मांगे हैं डीएम साहब, कागज मांगे हैं, मंत्रालय कागज मांग रहा है तो क्या नहीं दे रहा। हम तो अपना सारा साक्ष्य दे दिए डीएम SDO के लचर को। रात में तो क्या नहीं दे रहा, पूरा 11 बजे 2 बजे रात में आता है। हम लोग पारिवारिक आदमी है कि नहीं है, हम लोग चूड़ी पहने हुए हैं। समस्या यहाँ क्या हो रहा है? समस्या ये हो रहा है कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो रहा है यहाँ। कहाँ पर? इस आयुर्वेदिक कॉलेज में रात में 11 बजे 12 बजे 2 बजे हमारी बहू बेटी चलती है, हमारी बहू बेटी का घर है यहाँ, और तब यह नौटंकी करता है। आज मोहल्ला में सबका बेटी जवान होगा, मान लीजिए हमारा बेटी नहीं, समाज का बेटी तो मेरा बेटी है। आपका कहना क्या, आप आरोप क्या लगा रहे हैं वो बताइए। मेरा ये कहना है कि ये अस्पताल मेरा है और मेरा ही रहेगा। आप अनिर्माण जो बार बार कर रहे हैं, कभी तक आज तक बोर्ड नहीं लगा हुआ था, आज बोर्ड लगा रहा है। क्यों? मेरा क्योंकि इनका कब्जा करने का पूरा मोटिव है। मेरा है कहने का क्या मतलब? क्या मतलब है मेरा कहने का मतलब क्या है आपका? ये राज ट्रस्ट का है, राज दरभंगा के हम लोग स्टाफ है, हम लोगों को राज दरभंगा दिए हुए हैं, हम लोग रह रहे हैं, हम लोग का पूरा समाज। आज लोग 10 साल 5 साल 2 साल लोग रहता है तो कहता है मेरा है, मेरा पूर्वजों से हम लोगों का 4 पादम पुष्ट पूरे समाज का बीत गया है, हम लोग कहाँ जाएंगे? राज दरभंगा के जो इसके जो मालिक हैं, हाँ? वो सामने कहाँ रहे हैं? क्यों नहीं आए हैं? तो पूरा पेपर कौन दिया है? पेपर तो हम नहीं दिए हैं, मेरे पास तो पेपर नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि राज दरभंगा का है और राज दरभंगा के आप कर्मचारी हैं, तो राज दरभंगा के जो मालिक हैं जिनका ये जिनका ये मकान है, जिनका संपत्ति है, वो क्यों नहीं आगे आ रहे हैं कि आप लोग आगे आ रहे हैं? आज राज दरभंगा के स्टेट ऑफिसर, राज दरभंगा के वकील, राज दरभंगा के मालिक, वही ना हम लोगों को कहा है, और राज दरभंगा के स्टेट हम लोग के साथ है। नहीं, नहीं, जिसका संपत्ति है वो मेरे साथ है। आपके पास क्या सबूत है? राज दरभंगा के स्टेट ऑफिसर मेरे सबूत नहीं, 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 है। इसके जो मालिक जो यहाँ लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं वो तो बात की बात है, सबसे पहले तो खबर इस पे बनना चाहिए कि रात के 11 बजे 12 बजे चोरों की तरह इसमें घुसे कैसे, जब इसमें इनका हॉस्पिटल इनके अधीन नहीं था, स्वामित्व में नहीं था, ये रात को कब्जा करेंगे और इसके से सरकार अगर कब्जा करेगी तो आम लोग क्या करेंगे? तो गुंडे मवाली का काम अगर सरकार करेगी तब तो ये तो अन्याय है, पहली बात है। दूसरी बात, जब आप कह रहे हैं कि राज दरभंगा, मैं राज दरभंगा का प्रतिनिधित्व हूँ, राज हॉस्पिटल स्टेट ऑफ सभी मेरे इंचार्ज में है, ठीक है, हमारे पास इसका तमाम सबूत है। इस जिस बिल्डिंग में भी घुस रहा है इसका होल्डिंग टैक्स हमारे नाम से कट रहा है, इसकी रसीद हम कटवा रहे हैं, जमाबंदी हमारे नाम से है, तो अब क्या सबूत चाहिए? मामला न्यायालय में चल रहा है हमारा आयुर्वेदिक अस्पताल के टाइटल नंबर 163/2017 अभी भी उसका हर तारीख पे हो रहा है। ये इनको SDO साहब इनसे कागजात मांगे, कागजात नहीं उपलब्ध करा रहे थे, किस बिना पे? जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं 2003 के बाद 4 में कब्जा करके घुसे हैं, उस बिल्डिंग में पहले भारतीय जीवन बीमा में चल रहा था, इनको एज ए लोन एक कुछ मिला हुआ था, वो भी एक सीमा समय सीमा अवधि के लिए,
ये उसमें नहीं करके अवैध रूप से हर चीजों कब्जा कर रही है, हड़प रहे हैं, मतलब जहाँ भी खाली जमीन है उसको हड़प लो। जैसे आप राज दरभंगा के कर्मचारी हैं, उस प्रकार भी ये यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं या जो कर्मी हैं, वो तो कर्मचारी हैं, वो तो सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, सरकार को मिसगाइड कर रहे हैं। इनको इनको मिला है सारा मोहनपुर, फंड इनको निर्गत हुआ है सारा मोहनपुर के लिए, लेकिन सारा मोहनपुर के एक ब्रांच को इसको दिखा रहे हैं कि ये उसका एक अनुसांगिक भवन है, अनुसांगिक ये जगह है, ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए हम लोग न्यायालय में हैं, हम लोग तो न्यायालय के थ्रू जाएंगे ना, हम लोग तो गुंडा मवाली है नहीं, हम लोग के पास तो सरकारी तंत्र और ये सब तो है नहीं, हम लोग तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं इसको। ज्यादा गुंडे करेगा तो ईंट का जगह पत्थर से देंगे हम लोग। अगर वो गुंडे पे उतरेगा, यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जो राज परिवार के राज के पुराने स्टाफ हैं, जिनको 100 साल 200 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, आप उनको हटा दीजिए, घर से निकाल दीजिएगा, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। आज अगर ये बिल्डिंग खाली था इसमें घुस गए, कल को वो बिल्डिंग खाली होगा उसमें घुस जाइएगा, जितना भी खाली बिल्डिंग हो सब में आप लोग घुसते जाइएगा। क्यों घुसे हैं? कह रहे हैं कि ये हमारा बिल्डिंग है, इसमें हम हॉस्पिटल चलाएंगे, अभी बेड ला रहे हैं, इसे बेड ला के रखे हैं रातों रात, अगर इतना ही था उनका तो दिन में रखते, चोरों की तरह रात में क्यों रख रहे हैं? इनका कहने का मतलब अब है, क्या करेंगे आप इसके लिए आगे? घर अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग थाना को कॉल किए हैं, अभी एसपी साहब से मिलेंगे, सबसे बात करेंगे, जब मामला न्यायालय में है, जब तक इसका जब फैसला होगा तभी ना कोई निर्गत होगा, जब टाइटल सूट चल रहा है, जब मामला न्यायालय में है, अब विवादित जमीन जो भी मामला न्यायालय में होता है उस पर किसी को राइट नहीं है कुछ भी, उस पर भवन निर्माण करने का चाहे किसी भी तरह का उस पर निर्माण करने का, तो किस अधिकार से वो कर रहे हैं? आपका सवाल उनसे होना चाहिए ना कि इन लोगों से ना हम लोगों से। चूंकि आप प्रोटेस्ट यहाँ हो रही है, पहले मैं आपसे पूछूंगा उसके बाद मैं उनसे पूछूंगा। प्रोटेस्ट का कारण यही है कि रात के 12-1 बजे ये लोग घुस गए हैं रूम के अंदर, और ये बिल्डिंग खाली पड़ी हुई थी इसमें वो घुस गए हैं, किस बिना पे घुसे हैं इसके अंदर? ये बोर्ड इतने दिनों से ये बोर्ड नहीं था यहाँ पे, अभी अचानक से ये बोर्ड यहाँ आ गया, ताकि बिल्डिंग हमारा प्रियांशु झा क्या है प्रभारी भू संपदा पदाधिकारी राज हॉस्पिटल हॉस्पिटल हाँ करने के लिए ये आयुर्वेदिक विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आज भी कुछ लोग हंगामा किया, सर पूरा क्या जानकारी है आपके पास? देखिए ये है कि जो आप जानते हैं कि बहुत लोग इसमें इंक्रोच किए हुए हैं, इस जमीन में 10 एकड़ का जमीन है, इंक्रोच है, इस बीच में राज्य सरकार ने इसका DPR बनवा दिया है, यहाँ और वहाँ मोहनपुर में जो पूरा बिल्डिंग बनना है जिसके लिए पैसा आवंटित हो गया है, सरकार का मास्टर प्लान जो है मैंने ये स्वीकृत हो चुका है, उसी क्रम में आज जो है कॉलेज के मान्यता के लिए 22-23 में एडमिशन के परमिशन के लिए निरीक्षण दल हमारा भारतीय चिकित्सा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा आयोग से आए हुए हैं, ये लोग निरीक्षण कल भी किया था, आज भी निरीक्षण का क्रम था, हम लोगों का अंतरंग जो है बेड जो है आपको दूसरे बिल्डिंग में था, वहाँ निरीक्षण होना था, इसी बीच जो है जब हम लोग निकल रहे थे वहाँ लोग हमारे कर्मचारी साफ सफाई कर रहे थे, उसी टाइम में करीब 100 लोगों ने जुट करके जो है काफ़ी हंगामा किया, वहाँ हमारा जितना आपको चादर पड़ा हुआ था, तकिया पड़ा हुआ था, तौलिया वगैरह लूट करके ले गए जो है, और काफ़ी गाली गलौज किए, मारपीट की स्थिति पैदा किए, और वहाँ जो है आपको जो है ताला सबसे बड़ा ये था कि सरकारी बिल्डिंग में ताला बंद कर देना जो है, उसके बाद हम लोग लगातार संबंधित पदाधिकारियों को फ़ोन करते रहे जो है, फ़ोन का रिस्पांस मिला लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस बल आया लेकिन पुलिस बल कहा कि हमारे पास मजिस्ट्रेट नहीं है, जब मजिस्ट्रेट साहब अभी आए हुए हैं तो इस टाइम में पुलिस बल नहीं है, वो ताला बंद पड़ा हुआ है, निरीक्षण हमारा प्रभावित हो रहा है, उसमें हम लोगों का सैया आप भी जानते होंगे कि आप बहुत पुराने हैं कि वहाँ पहले जो है इंडोर चलता था, अस्पताल चलता था, कोविड के चलते बंद था, जब निरीक्षण दल आया जो है तो उसको हम लोग दिखलाना चाह रहे थे, अभी कहीं किसी का हम लोग कोई अतिक्रमण हटाने नहीं गए थे, हम अपने जो है जो कब्जा में हमारे है उस बिल्डिंग को हम देखने जा रहे थे, निरीक्षण कराने जा रहे थे, तब तक ये जो है प्रयास किया गया, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य स्थिति है कि सत्ता पक्ष के कुछ लोगों द्वारा, मुझे अब कहने में कोई ये नहीं हो रही है कि सत्ता वर्ग के कुछ लोगों द्वारा ये जानबूझ करके जो है ये प्रॉब्लम खड़ा किया जा रहा है, जिसमें जदयू के राम मोहन झा जो है उसमें कब्जा किए हुए हैं, जो है मीना झा हमारी अभिनेत्री हैं उन्होंने भी कब्जा कर रखा है, उनके बाल बच्चे उनके द्वारा तुरंत मैंने लोगों को जो है बुला करके, और हर बार हंगामा, इससे हमारे बिहार की मिथिला की गरिमा समाप्त हो रही है, हमारे जो बाहर के अतिथि आ रहे हैं उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और हमारे कर्मचारी पदाधिकारी दहशत में है, मैं बार बार इसको जो है आपको जो है जिला पदाधिकारी से अनुमंडल पदाधिकारी से पुलिस से मैं लिखते रहा हूँ, विभाग में भी लिखते रहा हूँ, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के वजह से। सर जितने सारी बात अभी आपने कही तो कमी आपको कहाँ दिखती है कि लगातार प्रयास हो रहा है, प्रशासन को भी आप खबर कर रहे हैं लेकिन प्रशासन कोई समुचित कदम नहीं उठा रहा है, कमी आपको कहाँ दिखती है, विभाग क्यों नहीं इस पर उचित कार्रवाई करती है? प्रशासन पर कोई आक्षेप नहीं लगा सकता हूँ, मैं भी सरकारी मुलाजिम हूँ लेकिन कहीं ना कहीं
किसी न किसी स्तर से कोताही हो रही है, और हम समझते हैं कि शायद पार्टी के वजह से जो है कि कुछ पार्टी के लोग हैं जो दबाव देकर के शायद, जब पुलिस, जब हम बार बार कहते हैं घटना घटने के बाद पुलिस आती है, मजिस्ट्रेट घटना घटने के बाद आते हैं और सब एक दूसरे पर फेंका फेंकी करके चले जाते हैं। हम लोगों के यहाँ के लोगों की जान माल खतरे में, हम लोग कभी भी, हमारे साथ अनहोनी हो सकती है। अब मैं बराबर कहते रहा हूँ कि जो है इस काम को रोक मैं नहीं सकता हूँ, क्योंकि सरकार का आदेश है, सरकार का आदेश हमको पूरा कराना है। आपने मुख्यालय को इसकी जानकारी दे चुके हैं? जी, मुख्यालय को भी मैंने पहले भी जानकारी दी है, आज भी जानकारी मैं दिया हूँ जो है, लेकिन तो मुख्यालय क्यों नहीं अपने स्तर से कोई ठोस कार्रवाई करती है? वहाँ से हमारे अपर मुख्य सचिव द्वारा जिला पदाधिकारी को आपको लिखा गया है, विशेष जो है आपको हमारे जो है सचिव हैं उनके द्वारा लिखा गया है, वहाँ से कई एक बार चिट्ठी आई है, लेकिन कहीं क्या कमी है वो मैं नहीं कह सकता। आपने सत्ता पक्ष की बात की है, उसके कुछ लोग जो है सो अवरोध डाल रहे हैं, तो सत्ता पक्ष से क्या आपका मकसद है, क्या इस सत्ता पक्ष के जो पार्टी के लोग वो मैंने हर वक्त आकर के धमकाते हैं, डराते हैं कि आप सस्पेंड करा दिए जाओगे, मारे जाओगे। यहाँ ये बात खुलकर के कही जा रही है कि मारे जाओगे, यहाँ के बहुत से प्रिंसिपल को बहुत सा पनिशमेंट हम लोग दिलवा चुके हैं, तो उस स्थिति में तो हम लोगों की जान माल की खतरा है। मैंने आप लोग इसका दहशत में है, आप लोग दहशत में है, हमारा काम प्रभावित हो रहा है, हमारे रोगी आज 2 घंटे हमारे जो है रोगी जो है बिना वजह जो है बहुत दूर दूर से रोगी आए थे और रोगी को बिना इलाज कराए जाना पड़ा। आज आप लोग कोई लिखित शिकायत भी दिया? आज लिखित शिकायत अभी देने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा दल आया हुआ है पटना से, दिल्ली से जो है, तो पहले हमारा ये है कि इस दल को हम जो है संतुष्ट करें जो है। इस बीच में मैंने लिखने का, हमारे मजिस्ट्रेट साहब आए हुए हैं, मजिस्ट्रेट साहब के कथनानुसार मैंने पूरी स्थितियों से, जो हमारे DSP भी आए थे, थाना के इंस्पेक्टर भी आए थे, ये जो है आपको यूनिवर्सिटी के थाना के लोग भी आए थे, मैं सवेरे भी 6-7 बजे जो है ये इस बात की संभावना थी, इसलिए कि जब जब बाहर के लोग आ रहे हैं तब तब ये लोग हंगामा कर रहा है, तो मैं उस टाइम में ही पुलिस को जो है खबर किया था। आज आप मामला भी दर्ज करेंगे इस मामले को? आज हम दे रहे हैं, मामला दर्ज करें या न करें, पुलिस को मैंने कई एक बार आवेदन दिया है, लेकिन मामला भी कहीं दर्ज नहीं होता है। अब वो दर्ज करने का उनका क्या क्राइटेरिया है मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ, मैं तो जो स्थिति होती है उससे अवगत कराता हूँ, उनका जो है आकर के और पूछताछ करके चले जाते हैं और उस पर कोई अंकुश नहीं लगाते हैं, तो इसलिए जो है इसमें हमारे जो रिटायर्ड कुछ कर्मी हैं वो भी मिली भगत हैं जो है, जो यहाँ से पेंशन आपको ले रहे हैं, जो यहाँ से जो है हाउस रेंट लिए वो भी रह रहे हैं। मैंने विभाग को भी लिखा हुआ, लेकिन विभाग के तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं। आपका सीधा सीधा कहना, कहीं ना कहीं विभाग की कमजोरी का फायदा ये, विभाग की कमजोरी का, प्रशासन का, शायद हमारे लोगों की भी कहीं ना कहीं कमजोरी हो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन किसी न किसी से ये सरकार का काम बाधित हो रहा है। सरकार का काम को बाधित करना बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है, लेकिन फिर भी उन लोगों का मनोबल बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन का कहिए, पुलिस का कहिए, या हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी का सहयोग, या लोकल लोगों का, नहीं चाहते हो कि अस्पताल चले तो अस्पताल न चलाना ये सरकार का काम है। सरकार हमको दायित्व दिया है, जब तक मैं रहूँगा तब तक इस सरकार का जो है मैंने आपको जो है काम पूरा करने का प्रयास करूँगा।